भारत के इतिहास में असंख्य राजा और महाराजा का नाम दर्ज है। ऐसे में कई राजा अपने अजीबोगरीब शौक को लेकर मशहूर रहे हैं। हालांकि भारत में राजशाही खत्म हुए अरसा हो गया है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के एक ऐसे व्यक्ति के राजसी ठाठबाठ की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस युवक को राजा बनने का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने पुश्तैनी घर को किले में तब्दील कर दिया, जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि 14 तल का मकान बना दिया, वो भी बिना मानक के। और जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की शिकायत अगल बगल के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से की, तब प्रशासन के दखलंदाजी के बाद मकान का निर्माण कार्य रुक पाया। बता दें, मिर्जापुर जिले के जमालपुर विकास खंड के श्रुतिहार गांव के रहने वाले शियाराम पटेल को राजाओं की तरह चर्चित होने का शौक चढ़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक चर्चित होने का शौक चढ़ने के बाद शियाराम पटेल ने अपने पुश्तैनी मकान को हवेली की तरह बनवाना शुरू किया। एक के बाद एक करके सियाराम पटेल ने 14 तल का मकान बना दिया। सियाराम पटेल ने एक दो नहीं बल्कि 4 शादी भी की। उन्हें अभी कुल 6 बच्चे हैं। फिलहाल घर पर ताला लटका हुआ है। तीसरी शादी से हुई बेटी का भरण पोषण भत्ता नहीं देने पर एसडीएम के आदेश के बाद भवन को सील किया गया है। सियाराम पटेल अब गांव छोड़कर सोनभद्र जनपद में जाकर रह रहे हैं। हाँ, हमारे ही परिवार के हैं। क्या दिक्कत है? बनवा को उतना ऊंचा चल गल, हम लोग के डर लगा ला, आनी पानी आवला तो भागल जला छोड़ के डर के मारे। खतरा हम लोग के बा, का करल जा, कहाँ जाए जा। तो ओकर ओकर कोई उपाय अब कर सरकार की, हम लोग के रहे के कोई सहारा हो नहीं, कहाँ जाए जा। हम लोग का घर चिरिक गल हो, घर अंदर से हमने का लोट पड़ा था, चिरिक गल हो। यही डर के मारे हम लोग ओके छोड़ के यार भागल जला, अंदर से बाहर चला जला। हाँ, रात उत के आने तूफान आई, बरखा और खाई, जब बिजली तड़की तो डर के मारे हम लोग घर छोड़ के बाहर निकल जाए जला। बच्चे बान तो उन्हों लोग के लेके कहाँ जाए, जहाँ रह जला तहाँ उन्हों लोग के लेके रह जला। हाँ, कहल रहा लेकिन नहीं कोई के माने, अपने गाड़ी पकड़ के आगे कोई के चले ही न दे। मेरा नाम रामेश्वर गोंड ध्रुवे है। ये ग्राम सभा छुतिहार पड़ता है, थाना लहाट, ब्लॉक जमालपुर, तहसील चुनार, जनपद मिर्जा। इनका जो है नाम सियाराम सिंह पटेल है, और लेकिन कुछ ऐसे औषधि करते करते इन्होंने अपना डॉक्टर की उपाधि ली जो है, तो इनका एक शौक रहा कि मैं भी एक इस क्षेत्र में नाम कमाऊं, ऐसे बनाऊं बिल्डिंग कि जिसे मुझे लोग दूर दराज के लोग जाने, मेरी एक पहचान बने। तो इन्होंने अपना जो है उस पहचान के लिए एक 14 तल्ला का बिल्डिंग बनाया। इन्होंने बताया कि मुझे जो है सहयोग के माध्यम से गढ़वा घाट आश्रम का भी जो है सहयोग मिल रहा है, तो शिविर के माध्यम से तमाम तरह से इन्होंने ऐसे किया जो है, अपने मेहनत कमाई से ही बनाए। नहीं, इस समय कोई नहीं रहता है। इसमें इनकी जो तीसरी शादी हुई है निवादा में है, और वो लड़की साथ ला की है, तो उन्होंने अपने दावा खर्चा की है, तो इन्होंने नहीं दे पाया, तो एसडीएम चुनार महोदय ने इसको सीज किए हुए हैं। इन्होंने कुल अभी जो है कुल 4 शादियां की है, अब 5 शादियां संदिग्ध में है, उनकी परिवार स्वयं बता रही थी। जहां अब इस समय ये जो है कर्मा थाना सोनभद्र में पड़ता है, उसी के बगल में रहते हैं। इन्होंने नहीं, पहले सदमे में रहते हैं, थोड़ा भी हवा का झोंक आता है तो लोग सदमे में रहते हैं कि कब जो है किधर गिरेगा, बच्चे परिवार लेके अपना हट लेते हैं, बाहर हट जाते हैं पूरी। कुछ लोग ऑलरेडी बगल में है, लक्ष्मण सिंह के परिवार जो है, लालता सिंह, मुराहू सिंह, ये लोग हट के अपना कुछ दूर बना लिए, दूसरे तरफ चले गए हैं। एप्लीकेशन गांव के लोगों ने जो है यहां के यशो थाना महोदय को शिकायत दर्ज की थी, तो उन्होंने एक्शन लिया था, और लेने के बाद उन्होंने शासन प्रशासन को भी यशो महोदय ने लिखा था, और उसी पे कार्रवाई हो। इसमें भवन में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं, इनकी पुरानी बाप दादे की पुरानी मकान थी उसी पे इन्होंने बनवाया, न इसमें कोई पिलर है, कुछ भी नहीं, न तो अगल बगल साइड से कोई पिलर दिया गया, सिर्फ अंदर से जो है इनकी जुड़ाई हुई है, और मिस्त्री भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, लोग लेबर ही क्वालिटी के थे जोड़े जो है, और पूरी 5 इंची की ही दीवार है, सिर्फ बीच में कहीं कहीं एक कॉर्नर पर 9 इंची का दीवार है, बकिया सब 5 इंची का ही दीवार है। अब कब और किधर ये ढहेगा, कोई सहारा नहीं है। कुछ जगह पर बिजलियां भी मार चुकी है, फटी हुई है। हम आते जाते जो है कि सड़क पर देखने के लिए पर्यटक जो कभी दूर दराज से जो आते हैं,
सड़क पर देखते हैं इसको तो गिर जाते हैं, देखने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है।